नमस्कार दोस्तों, डिजायर एडमिशन कंसल्टेंसी में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम जो बीएमएस बीएचएमएस का मॉपअप राउंड का कट ऑफ कितना जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ जो नए कॉलेजेस ऐड होने वाली है उसी के बारे में बात करेंगे एंड रजिस्ट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में भी हम लास्ट में बात करेंगे। तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, थोड़ा चेंज भी हो सकता है। आपको जैसे कि पता है ओपन कैटेगरी का कट ऑफ सेकेंड राउंड का कितना था। अभी मॉपअप राउंड की बात करें तो जो ओपन कैटेगरी है उसका मॉपअप राउंड का एक्सपेक्टेड कट ऑफ 333 टू 335 मार्क्स हो सकता है। और इसमें और कुछ नए कॉलेजेस ऐड हुए तो कट ऑफ और भी कम हो सकता है। ये एक सिर्फ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इससे थोड़ा चेंज 2-3 मार्क्स का आगे पीछे हो सकता है। तो ओपन कैटेगरी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो हमने 333 टू 335 मार्क्स ऐसे प्रिडिक्ट किया है, जो कि एक एनालिसिस करने के बाद हमने प्रिडिक्ट किया है। अगर वो 12 कॉलेजेस आते हैं तो कट ऑफ और कम हो सकता है। अगर उसके बाद ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ 330 मार्क्स आ सकता है। अगर मॉपअप फर्स्ट का तो 330 मार्क्स आएगा और उसके बाद बहुत ज़्यादा सीट्स वैकेंट रहती है तो मॉपअप सेकेंड का कट ऑफ भी 2-3 मार्क्स से ज़रूर कम होगा। और उसमें भी अभी 4 से 5 जो नए कॉलेजेस बीएमएस के ऐड होने वाले उसका भी थोड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा कट ऑफ पर। वो कितना मिलेगा उस पर एक डिटेल वीडियो हम बना रहे हैं। इसी के साथ अगर ओबीसी कैटेगरी है आपकी और आपको सेकेंड राउंड में सीट अलॉट नहीं हुई है तो आपको महाराष्ट्र स्टेट के प्रॉपरली काउंसलिंग करनी है, चॉइस फिलिंग करनी है, जितने भी कॉलेजेस है उतने सारे फिलअप करने हैं। ओबीसी का कट ऑफ है वो 330 मार्क्स तक आ सकता है। ये थोड़ा 2-4 मार्क्स से आगे पीछे भी हो सकता है, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अगर उसके बाद हम वीजे कैटेगरी की बात करें तो वीजे कैटेगरी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ 326 टू 328 मार्क्स बताया गया है। अगर आपकी कैटेगरी वीजे है तो अगर आपका स्कोर 325 तक भी है तो आप सेफ है कि आपको एक बीएमएस की सीट मॉपअप फर्स्ट में मिल जाए या मॉपअप सेकेंड तक मिल जाए, क्योंकि वीजे कैटेगरी का कट ऑफ 326 तक आ सकता है, ऐसे प्रिडिक्शन से पता जा सकता है। ठीक है, इस तरह से सेकेंड राउंड का वीजे कैटेगरी का कट ऑफ 340 प्लस ही था। अभी जैसे कि 10-15 मार्क्स मॉपअप में कट ऑफ डिक्रीज हो सकते हैं, इसके वजह से वीजे कैटेगरी का कट ऑफ 326 टू 328 तक आ सकता है, ऐसे हमारी टीम ने प्रिडिक्शन किया है। अभी उसके बाद हम बात करें अगर NT1 कैटेगरी की, जैसे कि आपको पता है NT1, NT2 एंड NT3 ऐसे 3 कैटेगरीज होती है। अगर उसमें से NT1 कैटेगरी की बात करें तो 325 मार्क्स तक आपको एक बीएमएस की सीट मिल सकती है। अभी इतने लो स्कोर पर कौन से कॉलेजेस मिलेंगे, जैसे कि साई आयुर्वेदिक कॉलेज औरंगाबाद, उसके बाद धनेश्वरी आयुर्वेदिक कॉलेज औरंगाबाद, उसी के साथ राष्ट्र संत जनार्दन स्वामी कोपरगाँव, उसके बाद अगर बात करें तो आइडियल पालघर, अशोकराव माने कोल्हापुर, ऐसे कॉलेजेस का कट ऑफ सबसे कम जाता है, शालिनीताई मेघे भंडारा, तो इन कॉलेजेस का कट ऑफ कम जाता है, तो ये कॉलेजेस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर NT2 कैटेगरी की बात करें तो जो NT2 कैटेगरी है उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 330 मार्क्स। अगर आपका स्कोर 330 मार्क्स के आसपास है तो आपको एक बीएएमएस की सीट मिल सकती है। ठीक है, और ये कॉलेजेस हमने अभी थोड़ी देर पहले बोले कि औरंगाबाद के कॉलेज, अहमदनगर के कॉलेज, कोल्हापुर के कॉलेजेस, आइडियल, पालघर, तो ऐसे कॉलेजेस आपको मिलने के चांसेस है अगर जिनका भी स्कोर 330 प्लस थे या 330 तक आया है। ठीक है, अगर उसके बाद हम NT3 कैटेगरी की बात करें तो NT3 कैटेगरी का कट ऑफ NT1 एंड NT2 कैटेगरी से थोड़ा ज़्यादा जाता है। अभी NT3 कैटेगरी का एग्जैक्टली कट ऑफ कितना जा सकता है ये 330 टू 333 मार्क्स आप अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि 330 से 333 मार्क्स तक आपका NT3 कैटेगरी का कट ऑफ जा सकता है। अभी ये एग्जैक्टली कट ऑफ है पर इससे 2-3 मार्क्स तक मॉपअप में चेंजेस आ सकते हैं कट ऑफ में, क्योंकि एक प्रेडिक्शन है। और जैसे लास्ट ईयर या उसके लास्ट ईयर से कंपैरिजन किया जाए तो 330 टू 333 तक ये कट ऑफ NT3 कैटेगरी का आ सकता है। उसके बाद SC कैटेगरी का, अगर बात करें SC एंड ST कैटेगरी के कट ऑफ थोड़े कम जाते हैं। अगर उसमें से भी SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी का कट ऑफ 320 टू 325 मार्क्स तक आ सकता है अगर आपका स्कोर इतने तक है तो। आपको जैसे कि हमने बताया
जो लोएस्ट कॉलेज है वो मिल सकते हैं, और आपका अगर कुछ नए कॉलेजेस ऐड हुए तो आपका अपग्रेडेशन भी हो सकता है। अभी जिनका भी स्कोर कम है वो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए स्पॉट इंस्टीट्यूशनल राउंड के लिए, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। एंड हम आपकी गारंटी लेते हैं कि आपको अगर आपका स्कोर बेहतर है तो आपको एक BAMS और BHMS या BUMS की सीट 101% मिल सकती है। पर काउंसलिंग प्रॉपरली करनी पड़ेगी, स्पॉट इंस्टीट्यूशनल में पार्टिसिपेट ठीक तरह से करना पड़ेगा। अगर हमारे साथ काउंसलिंग करनी है तो हमें ज़रूर मैसेज कीजिए। अगर ST कैटेगरी की बात करें तो ST कैटेगरी का दो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 195-200 मार्क्स तक है। इतने मार्क्स है ST कैटेगरी का कट ऑफ जो शेड्यूल ट्राइब का कास्ट है उसका कट ऑफ बहुत कम जाता है। सब कैटेगरीज में ST कैटेगरी का कट ऑफ ही बहुत कम जाता है जिसका कट ऑफ 195-200 मार्क्स तक है। अब अगर आपका स्कोर कम भी है तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, हम आपका स्पॉट इंस्टीट्यूशनल में एडमिशन करवा सकते हैं। अगर BHMS का कट ऑफ भी 10-12 मार्क्स कम जा सकता है सेकेंड राउंड के कट ऑफ से। अगर सेकेंड राउंड के कट ऑफ पर हमने एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो में आप सेकेंड राउंड का कट ऑफ देखिए और उससे 10-12 मार्क्स आपका कट ऑफ कम जा सकता है। अभी एग्जैक्टली अगर आपको यही पता करना है कि इस राउंड में भी एग्जैक्टली कट ऑफ कितना जाएगा तो हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, हम अगला वीडियो इस पर बनाएंगे कि BHMS का जो है मॉपअप राउंड का एग्जैक्टली कट ऑफ कितना जा सकता है, ठीक है। और आपको डायरेक्टली देखना होगा तो सेकेंड राउंड के कट ऑफ से 10-12 मार्क्स आप कम कीजिए। उसके बाद BAMS के 3-4 न्यू कॉलेजेस भी ऐड हो रहे हैं। अभी उसमें से कैसे उनको मॉपअप राउंड तक परमिशन मिल सकती है क्योंकि उनमें ऑल प्रोसेसेस स्टार्ट हो गए हैं। अगर BAMS के ये 3-4 कॉलेजेस ऐड हो रहे हैं उसी के साथ वो 12 कॉलेजेस ऐड हो रहे हैं तो जैसे हमने बताया कि कट ऑफ कम जा सकता है, कट ऑफ आपको 325-330 तक कट ऑफ आ सकता है अगर ये सारे कॉलेजेस ऐड हुए। 2-3 मार्क्स से अगर ये कट ऑफ कम हो सकता है, अगर ये 3-4 कॉलेज ऐड हुए तो हमने जो कट ऑफ बताया उसमें से 2-3 मार्क्स से और कट ऑफ लो जा सकता है क्योंकि इन कॉलेजेस को परमिशन मिलने से ज़्यादा सीट्स बढ़ेंगी और कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी कम होगा। इसी के साथ मॉपअप तक उनको परमिशन भी मिल सकती है क्योंकि अंडर प्रोसेस में है, उनमें इंस्पेक्शंस चालू है। अगर उनको परमिशन मिलती है तो वो मॉपअप फर्स्ट या मॉपअप सेकेंड तक आ सकते हैं और अगर उधर तक नहीं आए तो वो स्पॉट इंस्टीट्यूशनल राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनको परमिशन मिलने के बाद एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कि आखिर वो कौन से कॉलेजेस है, वो कॉलेजेस आपको किधर चॉइस फिलिंग में डालने हैं, को कौन से एरिया में कॉलेजेस है, उनके हॉस्टल डिटेल्स, सारी चीज़ों के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अभी कि वो कौन से कॉलेजेस है बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से सिटीज़ में उनके लोकेशंस कौन से है, ठीक है। अगर आपको हमारा गाइडेंस चाहिए डिटेल या पेड काउंसलिंग चाहिए चॉइस फिलिंग के लिए मॉपअप राउंड के लिए तो हमें 9730898960 पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, हमारे टीम मेंबर्स आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे काउंसलिंग में। इसी के साथ अगर आपको और कोई दिक्कत हो तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोल सकते हो, हमारे टीम मेंबर्स आपकी 100% मदद करेंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो कोई कॉलेज के बारे में या कोई काउंसलिंग रिलेटेड क्वेरीज हो, आपको स्पॉट इंस्टीट्यूशनल राउंड में एडमिशन लेना है तो हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे। हमारी रजिस्ट्रेशन फी 3000 रुपीज़ है, उसके बाद आपको डिटेल गाइड किया जाएगा स्पॉट इंस्टीट्यूशनल राउंड के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, आप हमारे ऑफिस पुणे सोमवारपेठ में भी आ सकते हो या संगमनेर अहमदनगर में भी आ सकते हो, अपने दो ऑफिस है, एक पुणे में एक अहमदनगर में, आप जहाँ भी जाने चाहे वहाँ आ सकते हो एंड डिटेल गाइडेंस ले सकते हो स्पॉट इंस्टीट्यूशनल राउंड के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ अगर आपको कुछ और दिक्कत है तो आप हमें बताइए। अभी जैसे कि हमने बोला 3-4 कॉलेजेस आ रहे हैं, उसमें से एक कॉलेज को तो परमिशन भी मिल गई है। अभी वो कॉलेज इतने 3-4 दिन में अगर वो ऑफिशियल अपडेट आ सकती है, पर अभी तो कोई CET सेल ने ऑफिशियल अपडेट नहीं दी है इसलिए हमने अभी तक उसके बारे में जिक्र नहीं किया है या वीडियो नहीं बनाई। अगर आफ्टर जब उसको ऑफिशियल अपडेट आ जाएगी तो उस पर हम एक ज़रूर वीडियो बनाएंगे कि कौन सा कॉलेजेस है, उस कॉलेजेस के पर्सनल डिटेल्स के बारे में भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखिए उसमें से एक कॉलेजेस को लगभग परमिशन मिल गई है, मतलब 95% उस कॉलेज को परमिशन मिल गई है, सिर्फ कुछ क्वेरीज बची है, वो भी अभी मॉपअप फर्स्ट या मॉपअप सेकेंड तक ज़रूर आ सकती है। और अगर वो राउंड में आते हैं तो आपका कट ऑफ 2-3 मार्क्स से गिरेगा एंड 2-3 मार्क्स से अगर कट ऑफ गिरता है तो जो स्पॉट इंस्टीट्यूशनल राउंड्स के भी कट ऑफ गिरेंगे। अगर आपको स्पॉट इंस्टीट्यूशनल राउंड में एडमिशन चाहिए तो हमारे 3000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फी है, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए अगर कोई क्वेरीज है या डिटेल गाइडेंस के लिए 9730
8989860 पर हमें मैसेज कीजिए, हमारी टीम आपकी ज़रूर हेल्प करेगी, या आप पुणे या संगमनेर के हमारे ऑफिस में आ सकते हो। अब बात करते जो कि सीईटी सेल की न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई है, सीईटी सेल के न्यू रजिस्ट्रेशन में कितना इफेक्ट आएगा, क्या एसएमएल चेंज होगा, या अगर होता है तो कितना एसएमएल चेंज हो सकता है, तो हम आपको बताना चाहते हैं। तो लगभग 90% स्टूडेंट ने तो फर्स्ट राउंड के पहले ही रजिस्ट्रेशन किए थे, तो अब भी ज़्यादा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, और करते ही भी तो जस्ट क्वालिफाइड वाले स्टूडेंट ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 150 तक एसएमएल चेंज हो सकता है, उससे ज़्यादा अभी एसएमएल आपका चेंज नहीं होगा, पर कट ऑफ ज़्यादा भी चेंज नहीं हो सकता। इसी के आसपास आपका जो मॉपअप राउंड का है वो कट ऑफ रहने वाला है। तो कट ऑफ एग्जैक्टली कितना होगा उस पर तो हमने वीडियो बना दी। एंड बीएचएमएस की बात करें, अगर बीएचएमएस का भी आपको एग्जैक्टली कट ऑफ चाहिए तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपका रिप्लाई देंगे या आपको कट ऑफ के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और अगर इसी के साथ आपको सेकेंड राउंड मॉपअप राउंड या मॉपअप टू में स्पॉट इंस्टीट्यूशनल में अदर स्टेट महाराष्ट्र कर्नाटका या हुआ पंजाब हुआ तेलंगाना हुआ एमपी हुआ अदर स्टेट के काउंसलिंग के बारे में कोई दिक्कत हो तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए 9730898960 पर, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे और आपकी मदद करेंगे। इसी के साथ अगर आपको और किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, हमारी पेड काउंसलिंग लेनी है, तो हमें 9730898960 पर मैसेज कीजिए। अगर आप स्पॉट इंस्टीट्यूशनल राउंड के लिए इंटरेस्टेड हो तो स्पॉट इंटरेस्टेड ऐसा लिखकर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, आपका स्कोर कैटेगरी तो हमें मेंशन कीजिए, हम आपको हमारे ग्रुप में ऐड करेंगे, आपकी फर्दर काउंसलिंग हमारे टीम के द्वारा की जाएगी। और जो ऑफलाइन राउंड होते हैं स्पॉट इंस्टीट्यूशनल के, तो हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे एडमिशन दिलवाने के लिए, आपका एडमिशन स्पॉट इंस्टीट्यूशनल राउंड से ज़रूर हो सकता है, और इसकी हम 90-95% गारंटी लेते हैं। अगर बीएमएस में आप का स्कोर अच्छा है एंड बीएचएमएस आप जस्ट क्वालिफाइड हो, फिर भी मैसेज कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।